हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग लेसन टू का, फिजिक्स के लेसन टू के एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि है चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं। कैपेसिटेंस हमको यहाँ पर देखना है, कोई भी चालक है उसके लिए तो इसका डिफिनेशन होगा किसी चालक में प्रति एकांक विभवांतर में आवेश के परिमाण को चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। मतलब कि अगर हमारे पास कोई चालक है, किसी प्रकार का चालक है, मान लीजिए एक बेलनाकार चालक की अगर हमने ले लिया, तो अगर इसमें प्रति एकांक विभवांतर में अगर इसमें वोल्टेज हो रहा है, भी वोल्टेज के लिए दो बिंदु होता है, अगर इसमें आवेश का जितना मान को ये ग्रहण कर रहा है, मीन्स कैपेसिटी कितनी है, कितने अब आवेश को ग्रहण कर रहा है, इस आवेश के मान को हम लोग, परिमाण को हम लोग धारिता कहते हैं। अर्थात धारिता बराबर होता है क्यू बट्टा भी, प्रति एकांक बट्टा में है भी, तो प्रति एकांक विभवांतर में आवेश के परिमाण को विद्युत धारिता कहते हैं। इसका एसआई मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट, क्योंकि आवेश का मात्रक कूलाम और विभवांतर का मात्रक वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट होता है। बट एक इसका स्पेशल एक मात्रक है फैराड होता है। इसकी विमा जो होती है, इसकी विमा एम माइनस वन एल माइनस टू टी फोर ए टू होती है, ठीक है, m माइनस वन ए एल माइनस टू टी फोर ए टू होती है। तो ये हमारा हो गया चालक की धारिता, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, किसी चालक में प्रति एकांक विभवांतर में आवेश के परिमाण को चालक की धारिता कहते हैं। इसका चालक की धारिता बाबा आवेश बट्टा विभवांतर, सी बाबा क्यू बट्टा भी, इसका सही मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट या फैराड होता है, और विमा एम माइनस वन एल माइनस टू टी फोर और ए टू होती है। ये आप घात में कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे से बन नहीं रहा था उसमें, ठीक है, तो इसको अच्छी तरह कर लीजिएगा। आई होप ये वीडियो आप सभी को समझ में आया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।